हेलो स्टूडेंट, कल हमने किया था 2.2 का इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट किया था, इसके फॉर्मूले किए थे। होप आपको फॉर्मूला ध्यान है, बेसिक आपको पूरा ध्यान है। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2। सिंपल एक्सरसाइज है, अगर हमें फॉर्मूले ध्यान है, बेसिक इसका ध्यान है, तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो इस वीडियो में हम करेंगे पहले चार क्वेश्चन, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और पूछा है प्रूव द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ एक्स बिलोंग करता है -1/2 to 1/2। ये दिया है, वैसे भी ये जो कहता है ना वो मोस्टली आता ही है, नहीं आता तो हम देख लेते हैं। तो मान लो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या साइन इनवर्स को मान लो, यहाँ पे थ्री वगैरह ना वो मत मानो, यहाँ याद रखना थ्री है तो साइन थ्री थीटा, अगर यहाँ थ्री टेन है तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, टू है तो साइन टू थीटा से प्रूव कर देंगे। समझ में आ रही है ना आपको? तो लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, एक्स आ गया। अब रही बात ये, अगर हमें देखना यहाँ पे थ्री साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा। तो एक चीज कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ साइन में बता देना, क्योंकि इसका वैल्यू देख लेना, ये वैल्यू देखने के लिए है, क्योंकि क्या है -1/2 से बड़ा है बराबर है एक्स का बोला है ना इसने, और छोटा और बराबर है 1/2 से, क्लोज इंटरवल का मतलब इक्वल सेवन होता है। अब यहाँ देखें तो यानी कि एक्स का मतलब ये हो गया -1/2 से बड़ा है बराबर है एक्स। एक्स किसको माना हमने, एक्स आ गया अपना साइन थीटा, तो साइन थीटा छोटा है बराबर है 1/2 से। अब देखो थीटा को रिप्लेस कर दो, साइन थीटा का वैल्यू कहाँ पे आता है 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि -π/6 पर होता है ना, छोटा है बराबर है थीटा। थीटा का वैल्यू निकाल दिया हमने, कि साइन थीटा अगर अपने पास में कह दे कि 1/2 है, इसका मतलब क्या करते हैं हम, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स। समझ आ रही है ना, ऐसे किया हमने, साइन से साइन कैंसिल, थीटा क्या आ गया पाई बाई सिक्स आ गया। तो हमने साइन को हटा के हम थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/6 से छोटा है बराबर है, और बड़ा है बराबर है थीटा, और छोटा है बराबर है π/6 से, छोटा है बराबर है π/6 से। और अपने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन थ्री थीटा का है ना, तो थ्री थीटा से थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया π/2 हो जाएगा। देखो π/6 को थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, π/2 से बड़ा है बराबर है 3 थीटा, और छोटा है बराबर है π/2 से। क्लियर हुआ? तो नाउ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना, और साइन थीटा इक्वल टू एक्स। नाउ फॉर्मूला लगा लो साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा क्या होता है फॉर्मूला, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना। अब थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दो, क्या साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3, साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू है अपना एक्स, माइनस 4 एक्स क्यूब, साइन क्यूब है एक्स के, साइन क्यूब थीटा है तो एक्स रिप्लेस कर दिया, ये इधर आ गया क्या 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ की क्या बन गया साइन इनवर्स 3 एक्स माइनस 4 एक्स क्यूब, और 3 थीटा को किया तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x-4x। यही प्रूव करना था, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस का है, ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन कोस का भी सेम है, तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें प्रूव 3 cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4x2-3x। उल्टा होता है साइन का, यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू है वो 1/2 टू
वन है, ठीक है। x का जो वैल्यू है 1/2 वन है x बिलो। तो सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, इसमें करो तो करके दिखा देना, नहीं तो वो आएगा सेम ही। तो हमने किया लेट क्या cos इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, x आ गया 9, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, cos 3 थीटा का, सॉरी cos 3 थीटा का निकालो क्या होता है cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4, cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा x हो गया 4x³ - 3x, इधर आके क्या बन जाएगा इनवर्स बन गया, तो 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स 4x³ - 3x, और थीटा को रिप्लेस करेंगे तो 3 cos इनवर्स x, क्योंकि थीटा हमने किसको माना था cos इनवर्स को माना था, तो 3 थीटा थीटा और थीटा इक्वल है cos इनवर्स x के, इक्वल आ गया cos इनवर्स 4x³ - 3x, हेंस तो क्लियर है, क्लियर है ना, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अब आगे का देखते हैं, आगे का है टेन वाला फॉर्मूला है, टेन इनवर्स थर्ड क्वेश्चन है, टेन इनवर्स 2y11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 इक्वल प्रूव करना है टेन इनवर्स 1/2। देखो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर हमें फॉर्मूले ध्यान है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का है ना। तो देखो अब टेन इनवर्स क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ध्यान है क्या क्या होता है, टेन इनवर्स प्लस का है ना, क्या हो जाएगा x प्लस y अपॉन में 1 - xy, क्लियर है। तो हमने दिया लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, तो हमने दिया टेन इनवर्स 2y11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होगा, टेन इनवर्स x 2y11 प्लस y 7/24 अपॉन में 1 - xy 2y11 × 7/24, ठीक है। तो यह आ गया टेन इनवर्स, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 11 × 44 11 × 22 = 26, ठीक है। तो इससे किया 24 × 48 प्लस इसे किया 11 11 × 7 = 77 अपॉन में इनका साथ के साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेने के लिए हो जाएगा 264 माइनस में ये तो 14 का 14 ही रहेगा, एलसीएम लिया हमने 264, ठीक है, समझ में आया होगा, सॉल्व किया इनको। अब इससे ये कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा टेन इनवर्स, सोल्व करें तो 8 और 7 = 15, 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12 अपॉन में माइनस किया कितना आ गया 250, कैंसिल होता है ये, ऊपर क्या आ गया टेन इनवर्स 1/2, क्या प्रूव करना था यही = r/s, सिंपल है ना क्वेश्चन, वेरी सिंपल है। अभी आगे वाला देखते हैं हम, आगे वाला भी बिल्कुल इसी तरह का है, टेन वाला ही है, फोर्थ क्वेश्चन में अपने 2 प्रूव करना है, 2 टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1.7 इक्वल प्रूव करना है टेन इनवर्स 31/70। देखो जी यहाँ फॉर्मूला देखो, देखना पड़ेगा तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं,
यहाँ पे क्या दिख गया, क्या दिखा यहाँ पर, यहाँ पर है टू टेन इनवर्स, यानी कि फॉर्मूला ध्यान है, बनाया भी था हमने, कैसे बना था फॉर्मूला ये भी किया था। तो देखिए एक बार फिर से लिख देता हूँ कि टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है, तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर टेन में चेंज करना हो तो, साइन में करना हो तो साइन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कि टेन टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड टू टेन इनवर्स एक्स अप्लाई करो, क्या होता है टेन इनवर्स टू एक्स, टू एक्स का मतलब टू इंटू एक्स की जगह कितना है वन बाई टू अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है आपका, ये एक्स हुआ अपना, तो वन बाई टू का स्क्वायर, क्लियर हो रहा है ना, टेन इनवर्स वन अपॉन में सॉरी हमने ये वाला तो कर दिया, ये वाला स्टेप तो रही गया अपना, क्या है टेन इनवर्स वन बाय सेवन, सुनवाया ना, हमने लेफ्ट हैंड साइड दिया, लेफ्ट हैंड साइड में टू स्टेप थे, ये पहले वाला का टू टेन इनवर्स एक्स का ये फॉर्मूला लगा दिया, प्लस में क्या बचा टेन इनवर्स वन बाय सेवन, तो टू से टू कैंसिल होने के बाद में ऊपर बचा वन अपॉन में वन माइनस वन बाय फोर, प्लस में टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन में सेवनटीन, तो टेन इनवर्स वन अपॉन में चार एकम चार माइनस एक तीन बटे चार, और प्लस में टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन सेवनटीन, तो टेन इनवर्स ये बटे एक नीचे बटे तो पलट जाएगा ना, कितना हो जाएगा फोर बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स थर्टी वन अपॉन सेवनटीन, वही बन गया पीछे वाला फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है टेन इनवर्स, फॉर्मूला लिखना है आगे रीजन, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई कितना ये, हाँ सॉरी ये गलती से वन बाय सेवन लिखना था अपने को, वन बाय सेवन, वन बाय सेवन, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वन बाय सेवन अपॉन में वन माइनस एक्स वाई फोर बाय थ्री इंटू वन बाय सेवन, सोल्व किया टेन इनवर्स एलसीएम दिया कितना आ गया 21, ये हो जाएगा सात सौ अट्ठाईस, तो तीन का यहाँ से किया तो तीन हो गया अपॉन में वन है ना, इसे किया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे 21 आ गया, 21 का ये किया 21 माइनस फोर आ गया, 21 माइनस फोर अपॉन में 21, नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल, आगे क्या आगे अपना टेन इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 अपॉन में 21 माइनस 4 कितना 17, क्या प्रूव करना था यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है जी, चार क्वेश्चन हो गया अपने, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चन है ना उसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को, तो सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूट भी देखेंगे और उनका कैसे किया जाता है क्वेश्चन वो भी देखेंगे, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना।